सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शनिवार व रविवार को सभी 75 जिलों में 2,385 केंद्रों पर लिखित परीक्षा प्रारंभ हुई। रविवार को भी परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध के साथ एसटीएफ समेत खुफिया एजेंसियों को नकल माफिया व सॉल्वर गैंग को पकड़ने के लिए सक्रिय रखा गया। जनपद में 47 परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली में हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया। इस संबंध में श्री वंश संवाददाता से बात करते हुए परीक्षार्थियों ने बताया, पर का लेवल ना तो बहुत टफ था और ना बहुत इजी था, मॉडरेट लेवल का था। जो हिंदी वगैरह था वो बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन थे और जीके भी इतना, जो जीएस का पार्ट था एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना इजी आ गया था। जीके जीएस वगैरह नॉर्मल था। हाँ, जो मैथ्स में था उसमें थोड़ा कैलकुलेशन था और जो रीजनिंग का पार्ट था उसमें क्या था, लैंग्वेज थोड़ा टफ दे दिया था, बस बाकी पेपर तो ठीक था। उसमें मतलब सब्जेक्ट में जैसे जीएस में था वो कुछ मतलब ज्योग्राफी से क्वेश्चंस ज़्यादा, मतलब साइंस से क्वेश्चंस पूछा ही नहीं गया था जीएस में, ये था साइंस से मतलब कोई भी क्वेश्चंस नहीं पुटअप किया गया था। बस हिस्ट्री से कुछ, हिस्ट्री से भी बहुत मतलब वो जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री होता उससे कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे, करंट से क्वेश्चंस 6-7 क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा हुआ, अच्छे क्वेश्चन आए। कौन सब्जेक्ट थे? सब मिला के सामान्य ज्ञान, मैथ और ये सब थे। मैं गोरखपुर से हैं, गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। पेपर था फर्स्ट पाली का। कैसा पेपर था? पेपर अच्छा गया है, पेपर अच्छा आ रहा है, पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर अच्छा है और अच्छे बच्चे अच्छे से कर भी रहे हैं। पर इसमें मेन पर्पज वो टाइम का है, समय का है, समय जो बचाएगा वो अच्छा कर जाएगा। किस तरह के क्वेश्चन आए? क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग से भी आया है और जीएस से भी आया है और कुछ करंट अफेयर का भी 2-4 क्वेश्चन है। पूर्व धाराएं कम से कम मान के चलिए 10 क्वेश्चन आया है। पूर्व धाराएं